हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा में। मैं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और आज एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। पर उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताइए प्लीज कि आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ। भगवान की कृपा से मेहनत करती रहती हूँ, एफर्ट्स करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि कर्म तो मुझे करना है, फल भगवान को देना है, ये सब आपको भी पता है। तो बस हमारे जो हाथ में है हम वही कर सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक पर आती हूँ। आज का टॉपिक है ओम साई राम। इससे पहले मैंने कभी नहीं वीडियो बनाई, पहली बार मैंने बनाई है, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला भी था, पूछा भी था, तो उनका डाउट क्लियर हो और किसी को नई बात अच्छी पता चल जाए। वैसे तो आप सभी जानते हैं, बट मैं सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं भी बताऊँ अपनी लाइफ का, तो उससे भी आपकी शायद हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है और बहुत छोटी वीडियो है, और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि ओम साई राम, जो लोग ओम साई राम का ये मंत्र का जाप करते हैं, साई बाबा को ही मानते हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह से साई बाबा को मानते हैं। बहुत से लोग हैं वो साई की भक्ति करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, व्रत करते हैं थर्सडे का, और मतलब पूरी तरह से उन्होंने ना विश्वास कर लिया, उनको मांग उनके बन गए साई बाबा के। तो वो लोग क्या और दूसरा मंत्र का जाप कर सकते हैं? ये किसी ने बोला कि वो क्लीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? श्रीम हो, क्लीम हो, ओम नमः शिवाय हो, बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ओम यूनिवर्सल साउंड है। साई बाबा एक महापुरुष जिन्होंने सिर्फ अच्छा ही किया है, सबका महान कार्य किए हैं, सबकी मदद की है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। हमें डीपली नहीं जाना कि साई बाबा ने क्या किया है, रामचंद्र जी, ये सब तो अच्छे ही हैं, ये सब अच्छे हैं, और भगवान के नाम को हम उसमें जांच पड़ताल थोड़ी ना करेंगे, इंक्वायरी थोड़ी ना करेंगे। बस हमें पता है कि ये चीज़ के नाम के जाप से हमारा अच्छा होगा, तो हम इतना डाउट करना भी नहीं चाहिए, और बस हमें अच्छा सोचना है, हमें बस करने की सोचनी है कि हमें ये करना है बस। और अगर आप मन से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। साईं बाबा सिर्फ दो ही चीज़ें बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। अगर श्रद्धा और सबूरी के साथ आप साईं बाबा के नाम का जाप करते हैं और क्लीम का, श्रीम का भी जाप करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे तब भी, क्योंकि आप कर तो अच्छा ही काम रहे ना। साईं बाबा ने ये तो नहीं कहा कि आप सिर्फ मतलब कुछ और मत करो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा करिए और आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और लोगों की तरह कितने लोग होते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं और क्लीम का चैंटिंग करते हैं तो भी उन्हें रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वही क्लीम कर सकते हैं, लोग आप दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो भी क्लीम कर सकते हैं, वैसे भी काली माँ का तो मंत्र है ही क्लीम, तो इसमें कोई आप डाउट ना रखें। साईं बाबा की पूजा करते करते भी आप क्लीम मंत्र को चैंट कर सकते हैं, आप श्रीम भी चैंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।